रिकॉर्डिंग दिखा मेरी तरफ थोड़ा सा। सबसे पहले तुमको क्या करना है, जैसे कि आपका गाड़ी आ गया अपना लोडिंग के लिए, तो पहले खाली गाड़ी इधर से आएगा, खाली गाड़ी पहले इधर से आएगा, तो आपको जाना है, ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन के बाद ये आ गया लोडिंग स्लिप, लोडिंग स्लिप में ये लोडिंग स्लिप है। अब उसको बात करना है आपको एड, एड करने के बाद यहाँ पे ये सीरियल नंबर आ गया, ये आपका डेट छप गया, इसके बाद यहाँ पे लिखा है पार्टी नेम, कौन सा पार्टी का माल हम देना चाहते हैं, तो जो हमारे पास जो डीओ है ये पार्टी है अपना, ये जो दिखाई दे रहा है अपना पार्टी है जो माल आया हुआ है, माल हमको इसको देना है, तो इंटर करिए। वो आ गया वहाँ पर, ये आ गया, यहाँ पे लिखा है वास, तो ये वास ही रहेगा, और इंटर मारिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि गाड़ी को कितना एवरेज देना है, कितना तक का माल दे सकते हैं, तो मान लीजिए एवरेज में हम डाल दिए 20 टन, इंटर मारे तो यह हो गया 20 टन। उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर में ये डालना है कि गाड़ी किसके अंडर में लगा हुआ है, गाड़ी का मालिक कौन है, तो फिर ट्रांसपोर्टर में जैसा जो भी ट्रांसपोर्टर है जिसका भी नाम है चाहे उसमें डालेंगे, जैसे SSC का है तो SSC, और इंटर मार दिए, SSC आ गया। इसके बाद आ गया ट्रक नंबर, ट्रक नंबर में जो भी गाड़ी नंबर है CG12S2345, ये गाड़ी नंबर हो गया। अब इसके बाद गाड़ी चढ़ा है कांटा में, खाली गाड़ी, तो आपको करना है गेट वेट, गेट वेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वजन, यहाँ पर अभी गाड़ी अभी खाली नहीं है, मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, वो टेयर वेट है वो जो निकले, ये टेयर वेट आ गया, खाली गाड़ी का वजन आ गया। अब करना है तुमको क्या, सेव सेव कर दिए, उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के ड्राइवर को दे देना है, ये हो गया लोडिंग स्लिप। अब उधर से जब गाड़ी लोड होकर के आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जाना है आउटवर्ड में, रुक जाइएगा।